अरे बहू, ये लाली लिपस्टिक लगाकर किसे रिझाने की कोशिश कर रही हो तुम? इतना कहकर सास ने उसका बाल पकड़कर नोचना शुरू कर दिया, तो एक पल में ही उसके बाल बिखर गए। फिर सास ने अपनी हथेली से उसकी लिपस्टिक रगड़कर उसके चेहरे पर फैला दी और कहने लगी कि जाओ जल्दी से यह सब साफ करके आओ और चुपचाप रसोई में जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। पूजा की सास ने अचानक से ऐसी हरकत कर दी कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए और वह हैरान सी रह गई कि मम्मी जी ये क्या कर रही हैं। वह रोते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी ये क्या बदतमीजी है। तब उसकी सास जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहने लगी, हे राम, कल की आई ये लड़की मुझसे मेरे ही घर में बदतमीजी कर रही है। बेटा, तू देख रहा है तेरी पत्नी ने घर आते ही मेरे साथ कैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है। माँ के चीख पुकार मचाने पर बेटे ने भी आओ देखा न ताओ और रसोई में आकर उस पर तड़ातड़ लात घूसे बरसाने शुरू कर दिए। इतना ही काफी नहीं था, पीछे से उसके ससुर जी भी आ गए और कहने लगे कि बहू, अभी तुम नई नई इस घर में आई हो, इस घर के नियम जितनी जल्दी सीख लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि सास है, तो सास के साथ कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए, वरना ऐसे ही रोज मार खाती रहोगी। फिर अपने बेटे से बोले कि अभी तू इसे मार रहा है तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, जा बहू को खाना बनाने दे। एक एक करके वह तीनों रसोई से चले गए तो पूजा एक कोने में बैठकर अपने जख्मों को सहलाते हुए आंसू बहाने लगी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि ससुराल में चार दिनों के बाद ही उसके साथ यह सब कुछ हो जाएगा। अभी तो उसने ससुराल के सफर की शुरुआत ही की थी, लेकिन शुरुआत में ही उसे एक तेज झटका लग गया था। वह सोचती थी कि ससुराल में सब लोग उसके साथ प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन उसका सपना इतनी जल्दी टूट जाएगा उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अभी वह कोने में बैठी हुई थी कि तभी उसकी सास गरजते हुए बोली कि अब खाना बनाएगी या और मार खानी है। मार खाने के डर से वह थर थर कांपते हुए उठकर खड़ी हो गई और रोते हुए खाना बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद जब उसे अपने कमरे में जाने का मौका मिला तो वह तुरंत ही कमरे में गई और उसने अपनी माँ को फोन करके रोते हुए सारी बातें बताई, तो वहां से भी उसे हैरान कर देने वाला उत्तर मिला। उसकी माँ उसे ही समझाते हुए कहने लगी, देख बेटा, अब ससुराल ही तेरा असली घर है, वहां पर तुझे ही सबके दिल में जगह बनानी है और सबको खुश रखना है। पूजा हैरान रह गई कि जो लोग उस पर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा रहे हैं उन लोगों को खुश रखने की बात माँ कैसे कर सकती है। वो भरे गले से बोली, माँ, क्या तुमने मुझे इतने प्यार से पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि ससुराल वाले मुझ पर हाथ उठाए फिर भी मुझे उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी पड़े। बेटी के कलेजा चीर देने वाले प्रश्न को नजरअंदाज करते हुए माँ बड़े ही लचीले अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, ससुराल में तो हर किसी को कुछ न कुछ सहन करके रहना ही पड़ता है। भले ही तेरे पिताजी मुझ पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन फिर भी मैंने भी काफी सारे समझौते किए हैं। अब तुम्हारे ससुराल वाले थोड़े गुस्से वाले होंगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि तुम्हारे ससुराल वालों को तुम पर हाथ उठाना पड़े। पूजा सुन न सी रह गई और कहने लगी, माँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगी, कम से कम तुम इन लोगों को थोड़ा समझा तो सकती हो। तब उसके पिता ने फोन छीन लिया और कहने लगे, देखो बेटा, अभी तुम्हारी दो बहनें और हैं, तुम्हारा भैया भी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, एक बोझ तो हमारे सर से कम हुआ। अब हमें अपने बाकी बच्चों के बारे में भी सोचना है, तुम्हारे में ही अटके रहेंगे तो ना तो तुम्हारा कुछ भला होगा और ना हमारे बाकी के बच्चों का, इसलिए अब हमें तुम पर से ध्यान हटाकर बाकी के फर्ज निभाने की ओर ध्यान लगाना होगा। हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब इसके आगे का तुम संभालो। पूजा हक्की बक्की सी रह गई और सोचने लगी कि जब मायके वाले ही साथ नहीं दे रहे हैं तब तो ससुराल वालों का अत्याचार करने का और भी बहाना मिल जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज तो पहला ही दिन था जब उसके ससुराल वालों ने देखा कि पूजा ना तो कोई विरोध कर पा रही है ना ही उसके मायके वालों को उसकी कुछ पड़ी है, तो दिन पर दिन उनके अत्याचार बढ़ते चले गए। पूजा ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और अकेले उसमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता भी नहीं थी, तो वह दिन रात ससुराल वालों के मार खाती रहती थी, उनके ताने सुनती थी, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। ना तो उसे घर से बाहर निकलने दिया जाता था, ना ही वह तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जा सकती थी, ना ही आस पड़ोस के लोगों से वह बातचीत कर सकती थी। एक तरह से उसे घर में कैद कर दिया गया था। बात बात में उसके सास ससुर उसे ताने मारते थे कि तुम बहू नहीं इस घर की गुलाम हो, हम तुम्हें जो भी बोलेंगे वह चुपचाप तुम्हें करना होगा। जरा जरा सी गलती पर उसकी सास और पति उस पर हाथ उठा दिया करते थे। उनकी देखा देखी ससुर जी भी हर वक्त उसकी नाक में दम किए रहते थे। घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी इज्जत करता था। उसे सचमुच ऐसा लगने लगा था कि वह एक मुफ्त की गुलाम है जिससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। बदले में उसे ना तो ढंग से खाना दिया जाता है, ना जीने की कोई आज़ादी है,
कभी कभी वो अकेले में खूब रोती थी और सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। कभी कभी वो सोचती थी कि ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या है, लेकिन उसमें कोई भी कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। इधर उसके भैया राजेश की पढ़ाई पूरी हुई और उसने पुलिस की भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। संयोग से पहली बार में ही उसका प्रयास सफल रहा। ट्रेनिंग पूरी होने तक उसने घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सबको वह सरप्राइज देना चाहता था। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और फोन पर उससे बात करता रहता था, लेकिन पूजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने साथ हो रहे अत्याचार की कहानी वो अपने भैया को बताए, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने तो पहले ही कह दिया था कि तेरी बातों से राजेश की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए वह खामोश रहकर सारा दर्द अकेले ही पीती जा रही थी। लेकिन जब राजेश को पुलिस की नौकरी मिल गई तो बहन को सरप्राइज देने के लिए वह एक दिन अचानक से बिना बताए उसके ससुराल पहुंचा। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि पूजा के ससुर जी आंगन में खड़े होकर अपनी बहू को कोस रहे थे। तभी तड़ाक की आवाज़ के साथ पूजा के गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा और ससुर जी ने घुर्राते हुए कहा, जल्दी से मेरे पैर दबाने के लिए कमरे में आ जा। तभी अचानक से घर पहुंचे भाई ने उसके ससुर को छठी का दूध याद दिला दिया। वह तुरंत ही उसके ससुर जी का गिरेबान पकड़ते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बहन को थप्पड़ मारने की आपने हिम्मत कैसे की? पूजा तुरंत ही अपने भाई के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके पैर छूकर रोते हुए कहने लगी, भैया अब तुम ही मुझे इस नरक की अग्नि से बाहर निकालो। मम्मी पापा से तो मैं कह कहकर थक गई। इतना कहकर वह सिसकने लगी। तब राजेश ने अपनी बहन के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब उसके ससुर जी गुस्से में कहने लगे, तू कल का आया लड़का, तू क्या ठीक करेगा? और मेरा गिरेबान पकड़ने की तूने हिम्मत कैसे की? तेरी बहन हमारे घर की गुलाम है, जा क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? राजेश ने आव देखा ना ताव और एक जोर का तमाचा उन्हें मारते हुए बोला कि मैं अब केवल एक बहन का भाई नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका हूं, और मेरी आंखों के सामने कोई अपराधी किसी भी औरत के साथ अत्याचार करेगा तो उसे मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। यह सुनकर पूजा के ससुर जी डर के मारे थर थर कांपने लगे। वो तुरंत ही हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, यह सब तो घर की बात है, थाने तक जाने की क्या जरूरत है? लेकिन राजेश उन सबको सबक सिखाने वाला था। उसने पूजा की सारी बातें सुनी और फिर तुरंत ही महिला कांस्टेबल को बुलाकर पूजा के पति ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी बहन से बोला कि तूने एक बार मुझे बताया होता तो तुझे इतने दिनों तक कष्ट नहीं सहना पड़ता। पूजा भरे गले से बोली, भैया तुम बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, मैं तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मम्मी पापा ने भी साफ साफ कहा था कि यह बात रिश्तेदारी में भी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तेरी और बहनों के लिए रिश्ता मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ सहती चली आई थी। राजेश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह कहने लगा कि आज से तुम्हें कोई समझौता करके जीने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी दिलवाऊंगा और न्याय भी। उसके बाद उसके ससुराल वालों को जेल की सजा हुई। पूजा ने अपने पति से तलाक लिया। गुजारे भत्ते की रकम में उसे 20 लाख रुपए मिले थे, वह सारे रुपए उसने फिक्स कर दिए और उसके ब्याज से उसके हर महीने के खर्च चलने लगे। उसके भाई ने उसे दोबारा पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया तो वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने में जुट गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगी और 2 सालों के अंदर उसे भी सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। आज उसका जीवन एकदम से बदल गया था और यह सब उसके भाई की मदद के बिना संभव नहीं हो सकता था। अब पूजा अपने मायके में नहीं रहती थी बल्कि उसके भाई ने उसे अलग से एक फ्लैट में रहने का इंतजाम करवाया था ताकि वह सुकून से अपनी जिंदगी जी सके। पूजा के मम्मी पापा को भी अब काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि समय पर उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, वरना आज उनकी बेटी को इतनी पीड़ा न झेलनी पड़ती। खैर देर से ही सही, अब पूजा के जीवन में खुशियाँ थी, वह आत्मनिर्भर थी और किसी की गुलाम नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नई कहानियों के लिए साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।